शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बड़ी दादी और अलका आंटी सच कह रहे थे क्या? सचमुच अंजलि पर कोई साया है? मुझे ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, पर अंजलि आज मेरी आवाज सुनकर भी रुकी क्यों नहीं? क्यों किया उसने ऐसा? मुझसे दूर भागना चाहती तो ये चिट्ठी छोड़कर क्यों जाती? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस शॉल के पीछे कोई और था? अंजलि ने जो सिंदूर के निशान छोड़े वो उनके सहारे उस तक पहुंचना होगा। हम बाहर कैसे निकल पाएंगे यहां से? कितनी घुटन हो रही है हमें यहाँ। हमारी सांस नहीं आ रही। बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। किसी की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है। बाहर निकलें कैसे निकलेंगे? गोपाल हमारी नहीं तो कम से कम हमारे बच्चे की मदद करो। गोपाल हमारे बच्चे की मदद करो, मदद करो, मदद करो। जरा सा भी संयम नहीं है तुझ में। इतनी रात को तुझे दीवार देखनी है, भला क्या मिलेगा उस सीमेंट की दीवार को देखकर? सुकून मिलेगा मम्मी, दिल को चैन और मन को आराम मिलेगा। उस अंजलि ने कितना तड़पाया है मुझे, अब जब मैं उसकी तड़पती हुई चीख सुनूंगी तो मुझे कितना मजा आएगा ना। फिर वो धीरे धीरे शांत हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। मैं इस नजारे को देखने के लिए कितना तड़प रही हूं। चलो। अरे रुक रिचा, यही आने को कहा था, यही बोल रही थी वो। प्रणाम गुरुवा, प्रणाम। अंजलि, आपने तो अंजलि को अनारकली बना दिया। जी प्यारी सौतेली बहन अलविदा। अगले जन्म में भी मुझे मत मिलना प्लीज। अलविदा,
अरे रिचा चिल्ला मत, धीरे बोल, अपनी भावनाओं पर काबू रख। गुरुमा, आपने तो अंजलि का काम ऐसे तमाम किया कि कोई सबूत भी नहीं मिलेगा, आपको तो मान गए। अंजलि के पास मात्र 24 घंटे का समय बचा है, जैसे ये 24 घंटे खत्म, अंजलि की सांसें खत्म। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुमा, आपने हमारा काम बखूबी कर दिया। बस इसी 24 घंटे के अंदर यश और ऋचा की शादी करवा दीजिए। हाथी, इतनी जल्दी कैसे होगी? गुरुमा है ना, ये करवाएंगी वो निकालेंगी कोई रास्ता, है ना गुरुमा? आप करवाएंगी ना शादी? अवश्य, तुम्हारा ये काम भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए जैसे मैं कह रही हूं वैसे ही करना होगा। सुनो, तो यहीं तक खत्म हो गया, लेकिन यहां तो कोई है ही नहीं। अब मैं अंजलि को कैसे ढूंढूंगा, कैसे पता लगाऊं कि अंजलि कहां है? मेरी और यश की शादी इतनी जल्दी हो जाएगी, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता मम्मी। अब बस अंजलि की मरने की खबर यश तक पहुंचे, उससे पहले ही मेरी शादी करवा दो। इसका मतलब कल ही शादी करवानी पड़ेगी। अगर यश को अंजलि की मौत की खबर पता चल गई तो वो शादी करने से मना कर देगा। कुछ भी करके कल ही यश को शादी करने के लिए तैयार करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बता क्या क्या मेरी अंजलि के साथ, कहाँ ले गई तू उसे? बता क्या करे, छोड़िए। ये आप क्या कह रहे हैं? अंजलि को ले जाने का फैसला ताई जी का था, क्योंकि वो उसका इलाज करवाना चाहती थी। मैं उनके घर के मामले में क्यों कुछ बोलूंगी? अगर तुम इतनी शरीफ और निर्दोष हो तो इस वक्त यहां क्या कर रही हो? हम आपको ढूंढने के लिए आए थे, चिंता के मारे हम दोनों को नींद नहीं आ रही थी। भगवान का शुक्र है कि आप सही सलामत हैं। चलिए घर चलते हैं, अब इतनी रात को बाहर देर तक रहना ठीक नहीं है। हाँ पापा, मम्मी ठीक कह रही है, चलिए। अंजलि कहाँ चली गई? जहां तक उसने सिंदूर के निशान बनाए थे वहां पर तो वो थी नहीं। अंजलि कहाँ हो तो? एक अनोखे बंधन से बंधे अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।